अनुमंडल क्षेत्र के हसनपुर में आज चुनावी सभा को संबोधित करने खगड़िया से महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश सहनी पहुंचे। न्यू इंडिया हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा में काफ़ी संख्या में महागठबंधन के नेता व समर्थक पहुंचे हुए थे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए जहां लालू प्रसाद को मल्लाहों का रहनुमा बताया, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी ने कहा कि 2014 के चुनाव में मैं भी नरेंद्र मोदी के झांसे में आ गया था, लेकिन हमें पता है कि अपनों को प्यार, अपने को सम्मान अपना ही देता है, कोई दूसरा नहीं देता है। वो लोग ऐसे हैं जो कभी सम्मान नहीं देगा। आज़ादी के 71 साल बाद पहली बार मल्लाह मछुआरा समाज अपने पैर पर खड़ा हुआ तो उन्हें गले लगाने का काम लालू प्रसाद ने किया, क्योंकि वो अपने हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कई लोग लुभावन घोषणाएं करते हुए कहा कि आप मुझे सांसद बनाएंगे तो सांसद के तौर पर जो भी भत्ता और सैलरी मिलेगी वह सभी क्षेत्र की जनता के ऊपर खर्च करूंगा, उसका एक रुपया भी खुद के ऊपर खर्च नहीं करूंगा। बताते चले कि इस रैली में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन वो इस रैली में शामिल नहीं हुए, जिससे तेजस्वी यादव को सुनने सभा में पहुंचे लोगों को निराशा हाथ लगी। आजादी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। अब आप लोगों की इजाजत है, जीत का माला आपके मुकेश सहनी जी को, आप हाथ उठाइए। पूरे बिहार में जीतना है और उसी में एक लोकसभा क्षेत्र आपका खगड़िया है और यहाँ पे आप चुनाव जिताएंगे। हम मजबूती से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके खगड़िया में क्या विकास होगा। मैं एक मामूली सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं हूँ, मैं अपने पार्टी का प्रमुख हूँ, मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब मेरी बात दिल्ली के सरकार को सुनना पड़ेगा, चाहे सरकार किस किसका भी हो, लेकिन आपके आपके नेता का बात को हर किसी को मानना पड़ेगा और मैं काम कराना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि मैं गरीब परिवार मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में ही जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था, परिवार के साथ रहना था, उस उम्र से मैं अपने मेहनत मजदूरी करके 900 रुपए महीने पे नौकरी करके मैं अपने मुकाम को हासिल किया, मजबूती से साथ दिया। साथियों, आज आप लोगों का आशीर्वाद से पिछले 6 साल 5 साल से हम लोग पूरे बिहार में मजबूती से निशा समाज के लिए मान सम्मान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी तरीके से आप हमें अपना प्रत्याशी बनाए हैं, आप यहाँ से हमें अपना सांसद बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए हर संभव जितना हो सकता उतना मैं काम करूंगा। साथियों, मैंने घोषणा भी कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं beforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस सून। हाय, दिस इज नेहा मारदा। beforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए एंड एवरीथिंग व्हाट दे वांट यू टू डू। beforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, सो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।